हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ओवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर आज हमारी जो करंट पे वीडियो है तो ये वीडियो लेक्चर जो है ये ग्रैमी अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर पर है रिसेंटली ही ये जो ग्रैमी अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर के हैं इनको डिक्लेयर किया गया है तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है ग्रैमी अवार्ड्स में से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस बार जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के ग्रैमी अवार्ड्स में उसमें इंडिया ने भी शाइन किया है ग्रैमी अवार्ड्स में इसलिए ये हमारे इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स क्या होते हैं ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं ये वर्ल्ड के मोस्ट रिस्पेक्टेड म्यूज़िक अवार्ड है हैव बीन अनाउंस्ड एंड दिस टाइम इंडिया हैज़ गॉट अ बिग विन इन द ग्रैमी अवार्ड्स India's fusion band शक्ति has been awarded the best global music award, music album award. कहते हैं कि जो Grammy award हैं ये uh, music के लिए दिया जाता है music awards इसको बहुत दिया म्यूजिक अवार्ड्स भी कहते हैं और 2024 ट्वेंटी फ़ोर की बात करें तो इंडिया जो है उसने ग्रामी अवार्ड्स को एक अच्छे नंबर के साथ जीता है मतलब अच्छे नंबर्स uh, में ग्रामी अवार्ड्स लिए हैं इंडिया का एक बैंड है जिसका नाम है शक्ति बैंड ये बैंड बेसिकली नाइनटीन सेवेंटी थ्री में इसकी स्टार्ट किया गया था और इस बैंड को अवार्ड मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड मिला है और सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यू एस सी दिस प्रोग्राम हैज़ बिन ऑर्गेनाइज अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एडिशन जो है ग्रामी अवार्ड का वो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में हुआ है तो वो है कौन सा एडिशन सिक्सटी सिक्स एडिशन जो है ग्रैमी अवार्ड्स का वो कब कंडक्ट हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में कहाँ पे लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले तो यही पूछा जा सकता है कि जो इस बार ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो कहाँ पे हुए तो वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में और कौन सा एडिशन था सिक्सटी सिक्स एडिशन है अब देखते हैं कि क्यों दिया जाता है किसको दिया जाता है वाई दे आर प्रोवाइडिंग टू रिकोगनाइज अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री में जो तो अचीवमेंट्स हैं उनके लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं ग्रामी अवार्ड विच कंट्री ऑफर्स कौन सी कंट्री ग्रामी अवार्ड को ऑफर करती है तो वो करती है अमेरिका यू एस ए इवेंट जो इस बार ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ग्रामी अवार्ड का जो इवेंट हुआ है तो वो कब था फोर फेबररी 2024 को जो है ग्रैमी अवार्ड्स जो है अनाउंस किए गए द फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 4 मई 1959 फिफ्टी इंपॉर्टेंट है पहला जो ग्रैमी अवार्ड था वो कब दिया गया था 4 मई 1959 को जो अवार्ड मिला था वो फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड था इंडियाज़ फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड हैज़ वॉज गिवन टू पंडित रवि शंकर फेमस फॉर हीज सितार प्लेइंग अब इंडिया को पहला ग्रैमी अवार्ड कब मिला किसको मिला था वो पंडित रविशंकर को मिला था किसके लिए फेमस है पंडित रविशंकर किस ए, किस इंस्ट्रूमेंट के लिए सितार के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का जो एडिशन है ये सिक्सटी सिक्स एडिशन जो है वो कौन सा है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का ग्रैमी अवार्ड्स का नेक्स्ट अब जो ग्रैमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है

इसको भी ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था किस परफॉर्मेंस कैटेगरी में सॉरी बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो ये नॉमिनेट किया था अबंडन सिन मिलर्स प्राइम मिनिस्टर मो, नरेंद्र मोदी हैज़ रिटन दिस सॉन्ग टुगेदर विद फाल्गुनी एंड गौरव शाह कहते प्रधा, जो प्रधान जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने इस जो सॉन्ग को लिखा था किसके साथ मिल के और गौरव शाह के साथ मिलकर अब देखेंगे हम कुछ एम सी क्यू सेशंस रिगार्डिंग ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एम सी क्यू जो मैंने इसमें ऐड किए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो आप स्किप नहीं करें एम सी क्यूज़ को पूरा देखें ये वीडियो लेक्चर क्योंकि ये वीडियो लेक्चर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामी अवार्ड इज़ द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन विच फील्ड अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ग्रामी अवार्ड है ये किस क्षेत्र का पुरस्कार है तो वो है म्यूजिक करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैमी अवार्ड इज़ द बेस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ऑफ विच कंट्री अब मैंने जब आपको बताया था कि कौन सी कंट्री है जो ऑफर करती है ग्रैमी अवार्ड को तो वो अमेरिका जो मैंने क्या बोलते हैं यू एस ए नेक्स्ट वेन वर द ग्रामी अवार्ड अवार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम अब ग्रामी अवार्ड पहली बार कब प्रदान किए गए थे तो ये मैंने बताया था आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे फोर मई नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी नाइन को जो पहला ग्रैमी अवार्ड था वो दिया गया था हु अवार्ड्स द ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी अवार्ड को कौन अवार्ड करता है कौन प्रदान करता है तो द रिकॉर्डिंग अकेडमी सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच एडिशन ऑफ ग्रामी अवार्ड्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अब जब हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही आपको ये बता दिया था कि ग्रामी अवार्ड जो दो हजार चौबीस में दिए गए हैं ये कौन सा एडिशन uh, है तो ये सिक्सटी सिक्स एडिशन है सो करेक्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन बाई वट नेम वॉज ग्रामी अवार्ड्स ओरिजनली नोन कहते हैं कि ग्रामी अवार्ड का जो Uh, पुराना नाम क्या था तो वो ग्रैमी अवार्ड का जो पुराना नाम था वो था ग्रामोफोन अवार्ड ग्रामोफोन अवार्ड जो था किसका नाम था ग्रैमी अवार्ड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया रवि शंकर जो किसके लिए थे फेमस थे सितार के लिए इनको पहला जो फर्स्ट uh, इंडियन जो ग्रैमी अवार्ड था वो इनको मिला था 1968 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज्रिकी रिकी केज अवार्डेड द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम विंड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि रिक्की केज को सर्वश्रेष्ठ नेक युग का एल्बम संसार की हवाएं के लिए ग्रैमी अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था तो वो किया गया था 2000 सॉरी 2015 में 2015 नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज अवार्डिड द ग्रैनी अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड इन 2022 कहते हैं कि 2022 में कलरफुल वर्ल्ड चिल्ड्रन म्यूज़िक एल्बम का में बस ग्रैमी अवार्ड जो था बेस्ट चिल्ड्रन म्यूज़िक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था तो वो मिला था फलगुनी शाह को किसको मिला था फलगुनी शाह सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ग्रैमी अवार्ड हैज़ ए आर रहमान वन फॉर स्लम डॉग मिलियनरी कहते हैं कि जो ग्रैमी अवार्ड्स जो थे ए आर रहमान ने स्लम डॉग मिलेरी के लिए कितने अवार्ड्स जो थे वो जीते थे तो वो थे टू अवार्ड्स तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया ए आप देखते हैं कि टू थाउजेंड एट फॉर स्लम डॉग मिलेरी बेस्ट कॉम्प्ली साउंड ट्रैक एल्बम एंड बेस्ट सॉन्ग रिटर्न फॉर विजअल मीडिया इस चीज़ के लिए इनको दो अवार्ड्स मिले थे कब दो हज़ार आठ में नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड कहते हैं कि ग्रैमी अवार्ड्स में कौन से इंडियन हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है तो वो मिला है पंडित रविशंकर जी को और कब मिला था इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो हज़ार तेरह में ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो हासिल किया था ग्रैमी अवार्ड्स में पंडित रविशंकर जी जो सितार के लिए फेमस हैं और इनको कब मिला था दो हज़ार तेरह में नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी इंडियंस हैव वॉन द सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कहते हैं कि जो सिक्सटी सिक्स एडिशन जो हुआ है ग्रैमी अवार्ड्स का फोर फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को इसमें कितने इंडियंस ने ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं तो वो कुल जीते हैं पांच ने अब ये फाइव हैं तो हमें देखने पड़ेंगे कौन कौन हैं शक्ति अफ्यूजन म्यूजिक ग्रुप कंप्राइजिंग जाकिर हुसैन सिंगर शंकर महादेवन वॉलनिस्ट गनेश राजोपालन परसनिस्ट सेलवा गनेश हैज़ वॉन द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ग्रैमी अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मोमेंट इनको इस कैटेगरी के, के लिए चार अवार्ड मिले थे शक्ति बैंक को और एक जो अवार्ड है वो रक, राकेश चौरसिया जो, जो फ्लोर्टिस्ट हैं इनको दो अवार्ड जो है वो मिले हैं तो टोटल कितने अवार्ड्स मिले हैं इंडिया को इस बार ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के एडिशन में फाइव अवार्ड्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग फ्लूट प्लेइंग इन द सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कहते हैं कि जो बंसुरी वादन जिनको सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड में फ्लूट प्लेइंग के लिए किसको अवार्ड मिला है तो वो मिला है राकेश चौरसिया को किसको राकेश चौरसिया को करेक्ट ऑप्शन जो आ गया हमारा आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड कहते हैं कि फर्स्ट इंडियन कौन सी थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दैट इज तन, तन्वी शाह इनको और कब मिला फर्स्ट फीमेल को कब मिला ग्रैमी अवार्ड 2008 में और ये कौन थी इंडियन फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड जो वुमेन का था वो तन्वी शाह को मिला और कब मिला दो में सो नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्डस ऑर्गेनाइज अब मैं आपको कब से बताई जा रही हूँ रीसेंट है रिसेंट है तो ये रिसेंटली ही मतलब फ़ोर फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड का आयोजन हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यू एस ए में हुआ है और फोर फेबररी को जो डे था वो क्या था सनडे था नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ दिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड्स बीन ऑर्गेनाइज सिक्सटी सिक्स जो ग्रामी अवार्ड था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था तो वो लॉस एंजल्स यू एस ए में किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट दिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कहते हैं कि सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड किसको मिला है तो वो दिस मिशन दिस मोमेंट शक्ति को जो ये ए, बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम अवार्ड जो है वो मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द बेस्ट पॉप वोकल्स एल्बम अवार्ड एट दिक्सटी सिक्स ग्रैमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कहते हैं कि सिक्सटी सिकस्थ ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड जो है वो किसको मिला है वो मिला है टेलर स्विफ्ट को किसके लिए मिड नाइट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वन द बेस्ट कंट्री एल्बम अवार्ड एट दिक्सटी सिक्स ग्रैमी ने अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कहते हैं कि सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड जो है सिक्सटी सिक्स uh, जो ग्रैमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में बेस्ट कंट्री एल्बम का जो अवार्ड है वो किसको मिला है तो वो मिला है लैनी विल्सन को लैनी विल्सन को और किस किसके लिए मिला है बेल बॉटम कंट्री के लिए सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारा सी नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉर्न द बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस अवार्ड एट दिक्सटी सिक्सथ ग्रैमी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कहते हैं कि आ, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ये किसको मिला है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया मिले साइरस जो किसको किसके लिए मिला फ्लावर्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे रिलेटेड टू ग्रामी अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आप इस वीडियो को स्किप मत करें प्लीज़ अगर आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम्स में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल है सेंट्रल लेवल है कोई भी एग्ज़ाम है तो ये वार्ड्स जो हैं आपको पता वार्ड से एक क्वेश्चन आता ही आता है सो so, आप इनको स्किप नहीं करें और वीडियो को लाइक भी किया करें शेयर करें ताकि हर बच्चा जो है इस वीडियो को देख सके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग